बातों को लेकर रिश्तों को टूटते देखा होगा। वही हरदोई में एक लड़की ने समाज की परवाह न करते हुए टूट चुकी शादी को रिश्ते में बदल दिया। मामला हरदोई के थाना बेटा गोकुल इलाके का है, जहां 24 जून को हरदोई कोतवाली शहर से एक बारात गई थी, जिस बारात में शराब को लेकर लड़का और लड़की पक्ष के रिश्तेदारों में मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष में ने बैठकर शादी तोड़ दी। वही लड़की के पिता ने तुरंत ही दूसरे वर की खोज शुरू कर दी, लेकिन लड़की ने मन ही मन राहुल को अपना पति चुन लिया था। वही लड़की ने किसी तरह राहुल से फोन से संपर्क किया और राहुल की मंशा जानने की कोशिश की। फोन से ही दोनों ने मिलने का समय और जगह निर्धारित किया, जिसके बाद लड़की राहुल से मिलने हरदोई आई और अपर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से मदद मांगी। मामले को सुनकर अपर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह ने दोनों को महिला थाना भेज दिया, जहां महिला थाना इंचार्ज ने दोनों के परिवार वालों को समझकर फौरी तौर पर उनकी शादी करवा दी और आज कानूनी रूप से कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन करवा दिया। हरदोई से हमारे संवाददाता सुनील कुमार की खास रिपोर्ट। मामला हुआ था सर, हम इसके साथ शादी करना चाहते हैं, मतलब मेरे पिता अंत कर रहे हैं शादी, हम चाहते नहीं है। तो आप किसके पास आए थे? राहुल के साथ। आज किसके यहाँ आए थे आप? इसके साथ सर। इसके साथ मेरी शादी हो रही है 24 तारीख को थी, आपस में बारात में जो है झगड़ा हो गया था जो है, हाँ। तो बारात वापस चली आई उल्टी जो है, हम इसलिए शादी करना, ये भी मेरे साथ शादी करना चाहती है, इसने फोन करके मेरे को वहाँ से बुलाया है, इसलिए हम यहाँ पे एस पी साहब के पास फरियाद लेके आए। लड़की आई थी और एक लड़के के साथ, उसके साथ उसकी शादी तय हुई थी और बारात गई थी, बारात में मारपीट हो गई, शादी पूरी नहीं हो पाई। लड़की का ये कहना है कि मैंने इसको अपना पति मान लिया और इससे मैं जो विवाह मेरा जितना भी हुआ उसी को मैं पूरा मानती हूँ और यही मेरा पति, मैं इसी के साथ रहूँगी। लड़का भी इस बात को लेकर तैयार है उसको ले जाने के लिए। लड़की के पिताजी कुछ उनको जो है अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। पूरे प्रकरण को महिला थाने संदर्भित किया गया है, पक्षों को बैठा करके आपस में काउंसलिंग कराई जा रही है।